नमस्कार दोस्तों, आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था हिंदी में भरना, अब हम बताएंगे इंग्लिश में भरना। ये डेट है, यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ ब्रांच जो आपके घर के नज़दीक हो वो ब्रांच, मेरे घर के नज़दीक है ओखला, तो मैंने ओखला डाल दिया। यहाँ आएगा नाम, नाम डाल दिया, पूरा नाम डालना है जो आपको अकाउंट में है। उसके बाद कौन सा अकाउंट है आपका, मेरा है एस बी मतलब सेविंग अकाउंट। ये वाला पोर्शन आपको भरना नहीं है, ये चेक डिपॉजिट करने के लिए भरा जाता है। ये है कैश का कॉलम, 5,000 रुपये भरना है मुझे तो 5,000 रुपये, और यहाँ पे शब्दों में लिखना है 5,000 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट पे, डिपॉजिट भरना वही सेम आएगा जो आपने यहाँ भरा, ओखला में जमा करना है। पूरा नाम लिखना है जो आपके अकाउंट में है, किसी के भी अकाउंट में कैश जमा करना है उसका नाम पूरा होना चाहिए, डेट और ये अकाउंट। ये है, इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट कहाँ पे है, जिसके हम खाते में कैश जमा कर रहे हैं उसका अकाउंट है करोल बाग। अब ये आपको भरना नहीं, ये भरना नहीं, ये भरना नहीं, ये क्योंकि चेक के लिए है। अब आ जाते हैं कितने नोट हैं आपके पास, 2,000 के दो नोट हैं 4,000 होते हैं, 500 के दो नोट हैं 1,000 रुपये होते हैं, टोटल नोट 4,000 रुपये, टोटल अमाउंट 5,000 रुपये, यहाँ जमा करने वाले के सिग्नेचर आएंगे। उसके बाद यहाँ शब्दों में 5,000 ओनली। अब 50,000 से अगर हम ऊपर जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को पैन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो पार्ट क्यों होते हैं, ये हम कैशियर को देंगे तो कैशियर इसको रख लेगा, इस पर स्टैम्प लगा के आपको दे देगा, जिससे कि आपको पता चलेगा हम मेरा कैश जमा हो गया है इस अकाउंट में। अगर आप नहीं लेते और उससे बोलते मैंने कैश जमा किया है तो आपका कोई मान्य नहीं होगा, इसलिए आप ये ज़रूर लें बैंक से स्टैम्प के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।